समाचार लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर 9 बजे डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पीएम मोदी डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे और दो दिवसीय 56वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस, देश भर के डीजीपी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर अहम चर्चा होगी। शाम 7 बजे राजभवन वापस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजभवन में विश्राम करेंगे पीएम मोदी और शाम 8 बजे पुलिस मुख्यालय में रात्रि भोज का कार्यक्रम है उनका। रात्रि भोज में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। रात्रि भोज के बाद राजभवन जाएंगे। राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज प्रधानमंत्री लखनऊ में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। दो दिवसीय 56वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में वो हिस्सा लेंगे। देश भर के डीजीपी इस कॉन्फ्रेंस में आज जुड़ेंगे। शाम 7 बजे राजभवन वापस जाना है प्रधानमंत्री को, वहां पर विश्राम करेंगे। फिर 8 बजे पुलिस मुख्यालय में रात्रि भोज का उनका कार्यक्रम, जहां पर वो आज शामिल होंगे। फिर वापस राजभवन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो राज्यपाल से मुलाकात की तस्वीरें ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और अनूप हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अनूप, आज ये अहम बैठक होने वाली है, इस बैठक का मोटो क्या और क्या क्या मुद्दे इस बैठक में हो सकते हैं? ये उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये तमाम जो है देशों के राज्यों में जो है लगातार होती रही है। इस बार उत्तर प्रदेश को ये मौका मिला है। ये डीजीपी आईजी जो है कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कल उद्घाटन जो है खुद गृह मंत्री अमित शाह जो करने पहुंचे थे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उत्तर प्रदेश के जानकारियों के लिए आपका फिलहाल। तो 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और आज वो डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया। डिप्टी सचिव शर्मा की आज सीतापुर का दौरा रहेगा। प्रादेशिक